स्टूडेंट्स, अभी हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपके कल जो मैंने होमवर्क दिया था, तो उसमें मेरे को मैसेज, जब मैं आपका चेक करती हूँ होमवर्क, तो ये तीन डाउट्स थे। तो देखें, पहले आप देख लें, आपके हो ना हो भी देख लो। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 3 एनसीईआरटी में ये होमवर्क के डाउट्स हैं तीन। पहला वाला देखो, 2:2/3, 2:1/5। तो 2:2/3 प्लस 1/5, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ? अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या आ जाता है? प्लस। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या आ जाता है? प्लस। तो ये वाला देखो, वन वाला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो मैंने फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, a^m = a^m + n, ठीक है? पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ देखो 2, अब यहाँ देखो 2/3 प्लस 1/5, तो ये जो 3 और 5 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, एलसीएम भी बोलते हैं इसको। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, और अपॉन में ये दोनों। तो 2 × 5 प्लस 1 × 3 अपॉन 3 × 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं। 2 × 5 = 10 प्लस 1 × 3 = 3 अपॉन 3 × 5 = 15, ठीक है? तो 2:10 + 3 = 13/15, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला 1/3:7, ठीक है? तो इसमें पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। तो 1:7, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये वाला, कहाँ गया ये वाला, सेवन्थ। देखो पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी, सेवन वाला फॉर्मूला, ये सेवन है, पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी। तो ये अपॉन में देखो 3:3 है, तो 7, ठीक है? तो 1:7, 1 को कितने बारी भी करो 1 ही आता है। अपॉन ये देखो a^m n है, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a^m n, तो क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे, 3 × 3 = 7, ठीक है? तो 1/3 × 3 = 21, ठीक है? आंसर 1/3 = 21 होगा। अगर ये ऊपर लाना है तो क्या करोगे? पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये भी फॉर्मूला है कि अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कुछ ले जाते हो तो उसकी पावर बदल जाती है, ये वाली, ये फॉर्मूला a^-n = 1/n। देखो तीन फॉर्मूला यूज हुई, एक तो पावर इसको भी मिली, इसको भी मिली, फिर यह पावर मल्टीप्लाई हुई 3 × 7 = 21, और नीचे थी तो ऊपर लाना है तो पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है? थर्ड नंबर देखो, देखो इसका 11:1/2 / 11:1/4, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड है, तो क्या होगा? माइनस, ठीक है? माइनस, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a^m / a^n = a^m - n, ठीक है? सॉरी, तो = 11:, क्या करोगे? फिर से देखो यही किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई, अपॉन में दोनों का, 1/4 - 2/1 / 2/4, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। एलसीएम आती है तो एलसीएम करो, नहीं आती है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, ये इसके साथ अपॉन में ये दोनों, ठीक है? जिनको एलसीएम नहीं आती है, ऐसे नाइन्थ में हो, आनी चाहिए एलसीएम पर नहीं आती है, तो फॉलो दिस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है? ये भी इजी है, 1/4 - 4 - 1/2 / 2/8, ठीक है? तो 11:4 में से 2 गए 2 अपॉन 8, 2 × 2 = 4, तो 11:1/4, ठीक है? तो ये तीन सम्स आपके डाउट थे, तो मैंने अभी सॉल्व करा है। स्टूडेंट्स, अभी हम आपका आर डी शर्मा में आपका चैप्टर है, चैप्टर 2, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने पहले भी आपको बड़ी बड़ी बता रही हूँ कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर जो नंबर सिस्टम्स है, वो आर डी शर्मा के पहले 3 चैप्टर के बराबर है, ठीक है? तो हमने पहले आर डी शर्मा का चैप्टर 3 किया था, रैशनलाइजेशन, वो हमने खासे दिन चला और अच्छे से किया है। फ्यूचर में कोई भी सम आपको डाले, कोई भी पूछे, तो आपको आए, ठीक है? अभी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं आर डी शर्मा का, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, और ये एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम्स में ही है, ठीक है? छोटी छोटी ऐसे थोड़े थोड़े 4-4 सम्स दिए हैं एनसीईआरटी में, और वो प्रैक्टिस के लिए इनफ नहीं है, एग्जाम में कहीं से भी आता है, ठीक है? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग है आपका, पेज नंबर 2.4 आर डी शर्मा में, पेज 2.4, एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। कल हमने एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट और सेकंड किया था, लास्ट जब हमने छोड़ा था आपको एग्जाम्पल देने से पहले, होमवर्क देने से पहले, तब हमने एग्जाम्पल 2 का 1-2 किया था। आज हम थर्ड और फोर्थ करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड बोल रहा है
2 raised to 55 मल्टीप्लाई 2 raised to 16 माइनस 2 raised to 97 मल्टीप्लाई 2 raised to 18। अब देखो ये जो 7 फॉर्मूलाज लिखे हैं, अगर ये अच्छे से नहीं किए होंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए, आपको ये फॉर्मूलाज आएंगे तो ही आप ये कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट ले रही हूँ, इज इक्वल टू, देखो बेस 2 है, ये 2 है, पावर 55 है, साइन मल्टीप्लाई की है, बेस 2 है, पावर 60 है, बेस सेम है, दोनों 2 2 है और पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर साइन की मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस। ये कौन सा रूल यूज किया मैंने, फर्स्ट रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल यूज किया मैंने। तो 2 raised to 55 प्लस 60 माइनस 2 raised to 97 प्लस 18। मैंने देखो दोनों साइड ऐसे किया, 2 raised to 55 प्लस 60, 2 raised to 97 प्लस 18, ये मैंने फर्स्ट रूल यूज किया है, ये वाला। अगर नहीं पता लग रहा है तो ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज a raised to m इज इक्वल टू a raised to m प्लस n, ठीक है, मैंने ये वाला रूल यूज किया है, ठीक है। फिर इक्वल टू 2 raised to 55 प्लस 60, 55 और 60 कितना होता है, 55 और 60, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 6 11, ठीक है, 115। तो 115 2 raised to 115 माइनस 97 प्लस 18, पावर प्लस हुई तो 97 प्लस 18, तो कितना हुआ, 7 और 8, 8 और 8 16 होती है, 8 और 7 15, 9 10 11 115, तो 2 raised to 115 है, ठीक है। तो देखो 2 raised to 115 माइनस 2 raised to 115, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, 3 माइनस 3 क्या होता है, 0, सेम नंबर और माइनस के साइन तो 0, तो ये देखो 2 raised to 115, 2 raised to 115 सेम नंबर और माइनस, तो क्या आएगा आंसर, 0, 2 raised to 115 माइनस 2 raised to 115 0, ठीक है। सिंपल क्या किया, बेस सेम थे, 2 2 सेम था, प्लस कर दिया, बेस सेम थे, 2 2 सेम था, प्लस कर दिया, बीच में माइनस की साइन है, देखो माइनस की साइन है, करते के करते के आंसर आएगा आपके। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है फॉर्मूला कहाँ लगानी है, आप प्रैक्टिस करते हो, मन से प्रैक्टिस करते हो, लेक्चर सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, तो आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग है तो भले आप आज तक, आप 8th तक कितने भी बुरे क्यों ना रहे हो मैथ्स में, ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ जो लॉकडाउन का टाइम है, मीन्स जो एकदम जिनका मैथ्स शुरू से वीक या वीकेस्ट पॉइंट या बैक पॉइंट रहे ना, उनके लिए ये अच्छा चल रहा है टाइम, क्योंकि अभी ट्यूशन मैथ्स पे फोकस कर रही है इन दिनों, कि चलो और कुछ नहीं तो बच्चों के मैथ्स स्ट्रांग करें हम। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये चीज़ बेस्ट, जिनका अगर मैथ्स वीक पॉइंट रहा है या बुरा पॉइंट रहा है आज तक 8th तक, तो 9th में ये आपके लिए अच्छी शुरुआत हो रही है, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है ये जो लॉकडाउन की, आपके लिए ये मुझे पॉजिटिव चीज़ लग रही है, ठीक है। पर कॉन्सेंट्रेशन से देखो तब, ठीक है, वीडियोज़ तो बन रहे हैं डेली, पर आप कॉन्सेंट्रेट करो तब, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर 2 upon 3 raised to 2 मल्टीप्लाई 2 upon 5 raised to -3 3 upon 5 raised to 2, ठीक है। ये यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, ये आपका फोर्थ नंबर है 2 upon 3 raised to 2 मल्टीप्लाई 2 upon 5 raised to -3 3 upon 5 raised to 2। अच्छा देखो ये क्या है, a upon b raised to, देखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, सेवंथ वाला, क्या है सेवंथ वाला फॉर्मूला, सेवंथ ये है a upon b raised to m, तो m इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो 2 upon 3 raised to 2, ठीक है, तो 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिला, 2 इसको भी मिला, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो मैं कुछ और करने से पहले, देखो पावर नेगेटिव है, मेरे को पावर नेगेटिव दिखी, और पावर नेगेटिव ना चले, ठीक है, पावर नेगेटिव नहीं चलेगी। तो ये देखो पावर माइनस 3 नेगेटिव है ना, माइनस की साइन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर नहीं चलेगी। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर नेगेटिव पावर हो और उसे पॉजिटिव करना चाहते हो तो रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा पुल्टा, तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी एक रूल है, कौन सा रूल है, ये 6th रूल है, नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल कर दो। तो मैं कैसे करूंगी, तो देखो 2 upon 5 raised to -3 था, तो 5 upon 2 raised to -3 करूंगी, 5 upon 2 raised to 3, पावर पॉजिटिव हो गई ना, मैंने रेसिप्रोकल किया तो पावर मेरी
पॉजिटिव हो गई, ठीक है, 5/2 raised to 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो 3 square upon 5 square, ठीक है, स्क्वायर इसको भी मिला इसको भी मिला। ये भी मैंने रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया, यही वाला कि ये सेवेंथ वाला a/b/m, a/b/m, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट है 2 raised to 2 upon सेम टू सेम ही लिख रही हूँ मल्टीप्लाई, अब फिर से पावर इसको भी मिलेगी पावर इसको भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब जो सेम सेम बेस वाले उनको भेगा करो, देखो 2 raised to 2 है मैंने छोटा सा टिक कर दिया, 2 raised to 3 है मैंने छोटा सा टिक कर दिया, बस दो ही है, तो देखो 2 raised to 2 और अपॉन में डिवाइड है ना, डिवाइड अपॉन नीचे है तो डिवाइड है, तो क्या होगा माइनस, देखो डिवाइड के लिए भी फॉर्मूला है a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n। कहोगे मैडम ये तो इसके नीचे का डिवाइड है, ये तो यहाँ डिवाइड है, पर बीच में तो मल्टीप्लाई है ना, मतलब कहीं भी डिवाइड हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, पर है तो मल्टीप्लाई ना, तो कहीं मतलब माइनस होगा इसका पावर 2 raised to -3, ठीक है, 2 और डिवाइड का -3, फिर मल्टीप्लाई के साइन बीच में ये 5 है, 5 raised to 3 है, ठीक है, 5 raised to 3 है, मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे, सर्कल नहीं मैं स्टार करती हूँ, देखो 5 raised to 3 है और ये देखो अपॉन में 5 raised to 2 है, ठीक है, अलग पाड़ने के लिए आपको पता लगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं अलग अलग सिंबल दे रही हूँ, इस पर टिक टिक लगाया भाई 2 raised to 2 minus 2 raised to 3, ये 5 raised to 3 minus 2, ठीक है 3 minus 2, तो ये दो भी हो गए ये हो गए, अब एकला रहा ये, तो ये देखो 3 raised to 2 3 raised to 2 तो कट ही हो रहा है, 3 raised to 2 1 जा 3 raised to 2 1 जा, ऊपर नीचे कट हो रहा है, जैसे 2/2 हो तो कट होता है, 5/5 हो कट होता है, तो 3 raised to 2 upon 3 raised to 2 भी तो कट होगा ना, 1 जा, ठीक है, ये तो कट ही हो गया, ठीक है, तो ये दोनों आपने लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब 2 raised to 2 minus 3 plus minus minus, तो 3 में से 2 गए तो 1, पर साइन आएगी बड़े की, देखो 3 के आगे माइनस की साइन है तो माइनस वन मल्टीप्लाई 5 raised to 3 minus 2, 3 में से 2 गए तो ओनली 1, 3 minus 2 3 में से 2 गए ओनली 1, तो 5 raised to 1, ठीक है, तो 2 raised to power minus 1 है, पावर माइनस 1 है, अगर पावर को प्लस करना चाहते हो तो रेसिप्रोकल, ठीक है, अपॉन, तो 5 raised to 1 upon 2 raised to 1, ठीक है, अपॉन में चला जाता है, अगर आपको किसी चीज को प्लस करना हो पावर को तो उसको अपॉन में ले जाते हो, अपॉन में सब जगह देखो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो 5 raised to 1 मतलब 5 एक बारी, मतलब 5, 2 raised to 1 मतलब 2 एक बारी, तो 2, तो आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है, सिंपल है, खाली फॉर्मूला ये जो रूल्स है फॉलो करो, अपनी मैथ्स लगाओ, एलसीएम, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हम आरडी शर्मा में ही इसी चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में पेज 2.5 पे एग्जांपल 3 देखते हैं। एग्जांपल 3 क्या बोलता है, एग्जांपल 3, इफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ए की वैल्यू 2 है और अगर बी की वैल्यू 3 है तो हमको इन सब की वैल्यूज फाइंड करके दो, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, मैंने पहले 3 बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो a raised to a plus b raised to b, मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब जहां जहां a है मुझे 2 लिखना है और जहां जहां b है मुझे लिखना है 3, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 raised to 2 plus 3 raised to 3, ठीक है, 2 raised to 2 plus 3 raised to 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दो बारी, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 प्लस 3 का क्यूब, तो 3 तीन बारी, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27, ठीक है, तो 4 plus 27 कितने होते हैं, दैट इज 31, ठीक है, सिंपल वैल्यू डालो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दो बारी, तो 2 2 जा 4, 3 का क्यूब मतलब 3 3 बारी, ठीक है, फॉर्मूला आपने क्या किया, फॉर्मूला तो है ही नहीं, इसमें वैल्यू डाली आंसर,
वैल्यू डाली और ये रहा आंसर, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, ए रेस टू बी प्लस बी रेस टू ए, वैल्यू डालो। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये रहा 8। प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 2 बारी, 2 है ना, 3 3 जा 9, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी और 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बारी, ठीक है। तो 8 प्लस 9 कितना होगा 17, ठीक है। 9 प्लस 8 इज 17, ठीक है। अच्छा अभी थर्ड वन पढ़ते हैं, थर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, थर्ड वन इज ए रेस टू बी। तो ए रेस टू बी, ए क्या है फिर से 2, बी क्या है 3, ठीक है। 2 रेस टू 3 मतलब 2 3 बारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, मतलब 2 3 बारी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 सम है आपके। चौथा सम मैं ले लेती हूँ यहीं पे, फोर्थ नंबर, 5 सम है टोटल, फोर्थ में ले लेती हूँ, ठीक है, जगह है तो ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, फोर्थ में यहाँ ले लेती हूँ इसके नीचे, ठीक है। फोर्थ वन देखो, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ है ए अपॉन बी रेस टू ए, ए अपॉन बी रेस टू ए, ठीक है, ए अपॉन बी रेस टू ए। अच्छा अब क्या करूंगी, वैल्यू डाल दो। वैल्यू कैसे डालोगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब क्या करोगे, पावर इसको भी दोगे, पावर इसको भी दोगे, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, पावर इसको भी दिया। अच्छा ये वाला कहां से लाई, ये रूल यूज किया, ठीक है, पहले वैल्यू डाली फिर रूल यूज किया। देखो रूल कौन सा है, ये वाला, सेवंथ वाला रूल। रूल्स नहीं आएंगे ना, ये वाला चैप्टर आप भूल जाओ, ये जो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स है और जो आपके एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, तो फिर भूल जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी की तो भी कर लोगे, चुनू मुनू छोटू छोटू से सम्स हैं, पर वो एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, एग्जाम में यही आरडी में से बड़े बड़े चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप एग्जामिनर को बोल ही नहीं सकते हो। अगर एग्जामिनर आपको ऑनलाइन यहाँ वहाँ कहीं से भी सम डालता है, आप एग्जामिनर को कुछ नहीं बोल सकते, आपके टीचर को कुछ आप उंगली नहीं उठा सकते हो कि सर आपने ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो है ही नहीं, पूछ सकता है सर, ठीक है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पूरी लिबर्टी है स्कूल वालों को, कहीं से भी पूछे किसी भी स्कूल में, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बारी, 2 2 जा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 4 अपॉन 9, ठीक है, तो ये 4 अपॉन 9 है। फिफ्थ वाला भी ले ही लेती हूँ मैं, फिफ्थ वाला सम है आपका 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b रेस टू a, ठीक है। फिफ्थ वाला मैं यहाँ ले लेती हूँ, फिफ्थ वन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b रेस टू a, ठीक है, ऐसा कुछ सम है। तो फिफ्थ वाला मैं कैसे करूंगी आपका, फिफ्थ वाला देखो, पहले तो वैल्यू डाल दो, ठीक है, वैल्यू डालूंगा, वैल्यू डालते हो ना धीमा कुछ स्टेप की मिल जाएगी आपको, तो a की जगह 2 डालो, b की वैल्यू 3 और रेस टू a है तो मतलब 2, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो, इसको भूल जाओ, पावर है मेरे पास, पहले अंदर ये एलसीएम है, इसको सॉल्व करो। मैंने आपको क्या बोला, अभी अभी एलसीएम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ये इसके साथ और कॉम में दोनों का मल्टीप्लाई, 1 3 जा प्लस 1 2 जा अपॉन में इन दोनों का, ठीक है। जिसको नहीं आता है एलसीएम निकालना अभी भी, उसके लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सही है। अभी 9th में एलसीएम सीखने जाओ, बेटर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सीख लो। 1 3 जा 3 प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है, रेस टू 2, तो 3 प्लस 2 5 अपॉन 6, रेस टू 2। अब क्या होगा, 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी। देखो पावर मीन्स ये एक्सपोनेंट वाला आप चैप्टर कर रहे हो आप, ठीक है, ये नाम ही देखो आरडी में एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स है इसका नाम, और ये आपकी
एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.6 है, तो आप नाम ही एक्सपोनेंट है तो उसके लॉज तो कहीं ना कहीं लगेंगे। देखो लॉ लगा ना, अभी लॉ लगेगा, ये देखो अपॉन में है, एक्सपोनेंट बाहर है, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 दो बारी, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 दो बारी, 5 5 जा 25, ये इक्वल है 6 का स्क्वायर मतलब 6 दो बारी, 6 6 जा 36, ठीक है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ठीक है, तो यहां मेरा फिफ्थ नंबर भी खत्म, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे आपके पेज 2.5, आपके आरडी का पेज 2.5 उसका एग्जांपल 4, ठीक है, एग्जांपल 3 हमने खत्म किया अभी अभी, अब हम एग्जांपल 4 स्टार्ट लेंगे, है सिंपलीफाई द फॉलोइंग आपके इसका नाम है क्वेश्चन का। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ब्रैकेट में 3 a रेस टू 4 b रेस टू 3, फिर दूसरी ब्रैकेट 18 a रेस टू 3 b रेस टू 5, ये आपका क्वेश्चन है। देखो देख के तो कुछ पता ही नहीं लग रहा होगा आपको, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो जब ऐसे साथ साथ में नंबर्स हो, जैसे ये नंबर फिर ये वेरिएबल, मतलब नंबर फिर ये a वेरिएबल हुआ, b वेरिएबल, फिर नंबर फिर वेरिएबल ब्रैकेट, इसका मतलब है ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई की साइन लगा देती हूँ सबके बीच में, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट या ऐसे ही होते हैं मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा अब दूसरी बात देखो, मल्टीप्लाई किसका किया जाता है, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर पाओगे ना, तो देखो ये 3 है, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 18 जा 18 3 जा इज 54, ठीक है, 18 3 जा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5 54, 18 3 जा 54, ठीक है, 318 जा या 18 3 जा 54, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, अब आपको अब आता है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने ये फॉर्मूला तैयार किए थे, ये उसका फर्स्ट फॉर्मूला a रेस टू m डॉट a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखो a रेस टू, मैं अलग अलग डिजाइन बना दू ताकि आपको पता लगे किसका किसके साथ हम साथ में पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये a रेस टू 4 है और a रेस टू 3 है, क्यों मैं साथ में इनको ले रही हूँ, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो a रेस टू 4 मल्टीप्लाई a रेस टू 3, तो जब पावर डिफरेंट बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो कौन सा रूल यूज होता है, फर्स्ट वाला, ठीक है, पावर प्लस हो जाते हैं, तो a रेस टू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, अब b, ठीक है, b के लिए मैं स्टार बना देती हूँ, ये b, ठीक है, तो b रेस टू 3 b रेस टू 5 मतलब b रेस टू 3 प्लस 5, ठीक है। मैंने क्या किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ये वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई किया, तो वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर हो जाता है प्लस, पावर हो जाता है प्लस, ठीक है। तो 54 a रेस टू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7, तो a रेस टू 7 मल्टीप्लाई b रेस टू 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इज 8, ठीक है, 3 प्लस 5 इज 8, ठीक है। तो 54 a रेस टू 7 b रेस टू 8 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, 54 a रेस टू 7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हटा दो, मल्टीप्लाई रखने का क्या सेंस, ठीक है, फाइनल आंसर दे रहे हैं, तो 54 a रेस टू 7 b रेस टू 8, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। सेकेंड वाला देखें, सेकेंड वाला भी ऐसे ही होगा, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, ठीक है। अच्छा अब देखो पहला ही स्टेप, मैं ना अब पहले तो सब देखो जहां जहां जो साथ साथ है मैं मल्टीप्लाई की साइन लगा देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई a रेस टू 7 मल्टीप्लाई b रेस टू 6 अपॉन 18 मल्टीप्लाई a रेस टू 6 b रेस टू 8, ठीक है। अच्छा अब सामने ही दिख रहा है, देखो अब इतनी मैथ्स तो तुम 8th तक पढ़ के ही आए हो कि ऊपर नीचे कट शॉर्ट होता है, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 की टेबल में दोनों नंबर आए तो कट शॉर्ट हुए, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो 1 अपॉन 6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो 1 अपॉन 6 तो ये 1 अपॉन 6 तो लिख ही दो, 1 अपॉन 6 तो आया अपने पास। अब देखो ये आपका a रेस टू 7 a रेस टू 6, तो ये देखो डिवाइड है, क्या है, डिवाइड,
तो डिवाइड में आपकी देखो दूसरी फॉर्मूला यूज होगी, डिवाइड है, मैं ऐसे साइने लगाती हूँ आपको पता लगे, ये मैं साइन इसलिए लगाती हूँ कि आपको पता लगे कि भाई मैम क्या यूज, नहीं तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट कलर है, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ आपको जैसे पता लगे कि ये देखो ए रेस टू सेवन और ये ए रेस टू सिक्स, ठीक है, ए रेस टू सेवन ए रेस टू सिक्स ये भी पार्टनर्स है और ये डिवाइड है, ठीक है, बेस सेम है, इसीलिए डिवाइड के लिए कौन सी फॉर्मूला है, तो डिवाइड के लिए ये देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला ए रेस टू एम, ए रेस टू एम क्या होता है पावर माइनस, तो पावर क्या कर दोगे ए रेस टू सेवन माइनस सिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बी, ये बी है, अब पावर बी है, अब पावर क्या करोगे पावर, ये देखो बी रेस टू सिक्स बी रेस टू एट, तो देखो ये बी रेस टू सिक्स है और ये बी रेस टू एट है, तो बी रेस टू सिक्स बी रेस टू एट क्या होगा बी रेस टू सिक्स माइनस एट, ठीक है, तो इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, सेवन में से सिक्स गए, ए रेस टू सेवन माइनस सिक्स क्या होता है ओनली वन, बी रेस टू सिक्स माइनस एट प्लस माइनस माइनस, एट में से सिक्स गए टू और साइन आएगी माइनस की, ये माइनस की साइन आएगी आपकी, तो बी रेस टू माइनस टू, ठीक है, अब देखो पावर नेगेटिव है नहीं चलेगी, पावर अगर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बना दो, तो देखो वन है तो वन को वन ए वन, देखो ए रेस टू वन मतलब ए एक बारी, तो ये ए और बी रेस टू माइनस टू, पावर मैंने आपको बोला नेगेटिव नहीं चलेगी, पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हो रेसिप्रोकल, ऊपर है तो नीचे, तो बी रेस टू टू, ठीक है, और ये सिक्स पहले से ही तैयार बैठा है तो सिक्स ये रहा, तो देखो ये रहा आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर लिखने का भी देखो तरीका होता है, ऐसे लिखते तो खैर मार्क्स मिल जाती, अरे ढंग से लिखो तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगे, ए रेस टू वन मतलब ए वन, तो वैसे मल्टीप्लाई होता है वन का तो कोई सेंस ही नहीं है मल्टीप्लाई में, बी रेस टू माइनस टू है तो पावर पॉजिटिव की तो अपॉन में आ गया सिक्स तो था ही, ठीक है, थर्ड नंबर देखो थर्ड कैसे करोगे आप, थर्ड नंबर में देखो सबसे पहले देखो मुझे सबसे होल में बड़ी सी ब्रैकेट दिख रही है और ऊपर थ्री की पावर दिख रही है, तो मुझे देख के ही ये वाला रूल याद आ गया सेवंथ वाला, ए अपॉन बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम बी रेस टू एम, सबसे पहले मुझे यही रूल याद आया, तो मैं क्या करूंगी थ्री इसको भी दूंगी थ्री इसको भी दूंगी, ठीक है, तो मैंने पहला रूल अप्लाई किया भाई थ्री इसको भी दिया और थ्री इसको भी दिया, ठीक है, पहला रूल फॉलो किया मैंने, अब देखो अब दूसरा रूल, अब देखो यहाँ देखो ये माइनस टू है और ए स्क्वायर है और ये रेस टू थ्री है, ठीक है, मतलब माइनस टू एक नंबर हुआ ए स्क्वायर दूसरा नंबर रेस टू थ्री है, अब मेरे को दूसरा रूल याद आया कि ये वाला फोर्थ वाला अगर दो नंबर है रेस टू एम है तो पावर इसको भी मिलेगी पावर इसको भी मिलेगी, तो देखो पावर इसको भी मिलेगी पावर इसको भी, तो माइनस टू को भी पावर मिलेगी और ये ए स्क्वायर को भी पावर मिलेगी, देखो दो दो अलग अलग हुए ना, माइनस टू इज ए डिफरेंट नंबर, माइनस टू क्या है वो नंबर है और ए स्क्वायर ए क्या है वेरिएबल है, ठीक है, तो थ्री इसको भी मिला और थ्री इसको, ये हमारा रूल है, ठीक है, ए बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम बी रेस टू एम, ठीक है, कि अगर पावर होती है तो इसको भी मिलेगी इसको भी अपॉन, अब यहां देखो ये भी रूल है अगर बी रेस टू थ्री है और ये ब्रैकेट है थ्री है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ये वाला रूल है आपका ये वाला सेकेंड पावर हो गई मल्टीप्लाई, तो बी रेस टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, रूल्स अगर मैं घड़ी घड़ी जब करा रही रूल्स बार बार बोल रही हूँ फिट कर लो, ये तो शुरुआत है अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है, ये तो ये एकदम छोटे छोटे से सम्स हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है और अच्छे अच्छे खासे सम्स करने हैं, तो अभी से ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, मस्ती में मत लेना सीरियसली करना, ठीक है, अगर ये दो चैप्टर मैथ्स के आपके सुधर गए संभल गए ना तो मतलब नाइन्थ और टेंथ की मैथ्स आपकी, ठीक है, मतलब फिर आपको कोई छू नहीं सकता है, इसलिए मैं पूरा पूरा मतलब फोर्स लगा रही हूँ कि ये पहले दो चैप्टर्स आपके अच्छे से मतलब आपको एकदम फिट हो जाएं, पर सामने आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो पढ़ा सकती हूँ, वो पढ़ना सीरियसली तो आपको ही है, प्लीज सीरियसली लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए। अच्छा यहाँ देखें माइनस टू रेस टू थ्री है, तो माइनस टू रेस टू थ्री मतलब माइनस टू तीन बारी, माइनस टू तीन बारी, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट,
और साइन आएगी माइनस की, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8 है। मैंने साइड में ही सॉल्व कर लिया खुद के लिए, मैंने एक स्टेप नहीं खराब किया उसके लिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये देखो ब्रैकेट है और पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, ये देखो सेकेंड वाला रूल, ठीक है। तो ए रेस टू टू मल्टीप्लाई थ्री अपॉन बी रेस टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, माइनस 8, ए रेस टू टू थ्री जा 6, तो ए रेस टू टू थ्री जा 6 अपॉन बी रेस टू थ्री थ्री जा 9, ठीक है। तो माइनस 8 ए रेस टू 6 अपॉन बी रेस टू 9, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, रूल्स फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम आपका एग्जाम्पल 15 आर डी शर्मा में एग्जाम्पल 15 है आपका, और ये है आपका पेज नंबर 2.10, ठीक है, पेज नंबर 2.10 है, ठीक है, पेज नंबर 2.10, ठीक है, आपके आर डी शर्मा का पेज 2.10 पे एग्जाम्पल 15 है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि हमने दो इक्वेशंस दी हैं उन्हें सॉल्व करो, दो क्वेश्चंस दी उन्हें सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब क्या है पहले, तो पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर 2 raised to x minus 5 is equal to 256, ये क्वेश्चन है। तो मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे ऐसे सॉल्व करना है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पूरा सॉल्व का मतलब वो कह रहा है भाई x निकाल के दो हमको, सेम यहाँ पे है 2 raised to x plus 3 is equal to 4 raised to x minus 1, मतलब ये सब सॉल्व करो और x क्या है वो फाइंड करके दो। सॉल्व वर्ड का मतलब ये होता है, जब सॉल्व करने को कहा जाता है और ऐसा कुछ हो, मतलब आपसे x फाइंड करने बोल रहा है। ये वाले क्वेश्चन एग्जामिनर्स के फेवरेट है, एग्जाम के लिए फेवरेट है, आपको ध्यान से करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे therefore 2 raised to x minus 5 is equal to 256, second step 2 raised to x minus 5 same to same is equal to 256, देखो 256 बहुत बड़ा नंबर है, इसके मैं फैक्टर्स निकाल के इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में करूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब छोटे नंबर के फॉर्म में, तो 256 के फैक्टर्स निकालूंगी। कभी भी फैक्टर्स निकालो हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट लेने का, कभी भी फैक्टर्स निकालो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर। पीछे 6 है, पीछे 6 है तो किसकी टेबल लगेगी, 2 की, तो 2 1 जा 2, फिर 5 है, 5 2 की टेबल में नहीं आता है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, ठीक है, 1 बचा तो यहाँ 1 आगे आया तो 2 8 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा तो 16, तो 2 8 जा 16 अपॉन, फिर से फिर फैक्टर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, ठीक है, 3 है तो 2 1 जा 2 और 1 बचा, 1 बचा 2 6 जा 12, ठीक है, फिर से 2 है 8 जा 16, फिर से 2 है 4 जा 8, फिर से 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, ठीक है। तो कितनी बार ये 2 हुआ, देखो मैंने सारा शांति से सॉल्व किया, छोटे से बड़ा नंबर, ठीक है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, ठीक है, 256 मैंने सॉल्व किया। तो 256 मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया सॉल्व करके, तो देखो 2 कितनी भारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी मेरा 2 है, मतलब 2 raised to 8 लिखूंगी मैं, 256 मतलब मेरा 8 बारी 2 है, दैट मींस 2 raised to 8, तो मैंने यहाँ 256 की जगह 2 raised to 8 लिखा, ठीक है। मैंने सिंपल पहला स्टेप यही किया, मैंने 256 शांति से सॉल्व किया और मैंने इसे एकदम करके 2 raised to 8 आया मेरा। अब देखो 2 raised to x minus 5 is equal to 2 raised to 8, आप देखो बीच में इक्वल की साइन है
और आजू बाजू बेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो बेस सेम हो ना तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं, तो देखो यहाँ कैंसिल हो गए, तो देयर फोर तो उनके पावर क्या होंगे, इक्वल। तो देयर फोर ये तो कैंसिल हो गए तो पावर हो जाएंगे इक्वल। बेस तो उड़ गए, बेस कैंसिल हो गए, तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एट। ये मैं आपको सॉल्व द फॉलोइंग समस्या, आपको एक्स फाइंड करना होता है, उसके लिए बता रही हूँ कि आपका पहला काम क्या होता है, पावर ऐसे ये टू की पावर थी ना, कुछ ऐसा करो ये भी टू में आ जाए, तो कुछ आपको रॉकेट साइंस या आपको कुछ बड़ा सा काम नहीं करना है, आपको सिंपल आप 256 के फैक्टर्स निकाल दो, ठीक है। 2 raise to 8 निकाले आपने, 2 raise to 8, 2 कैंसिल, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो देयर फोर एक्स माइनस फाइव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, ठीक है। माइनस फाइव होगा तो प्लस फाइव, तो 8 plus 5, ठीक है। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 8 plus 5, 8 9 10 11 12 13, तो एक्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। अभी सेकेंड सम करेंगे वैसे ही, सेकेंड सम देखें, 2 raise to x plus 3 इज इक्वल टू 4 raise to x minus 1, ठीक है। अभी ये सब ध्यान से देखना, एकदम उसकी तरह स्ट्रेट नहीं है, पर यहाँ देखो ये 2 है, ये तो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ 4 है, तो 4 के फैक्टर्स निकालो साइड में, 4 के फैक्टर्स निकाले, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, मतलब 4, तो 2 कितनी बारी है, 1 2, तो 2 raise to 2, ठीक है, 2 raise to 2। तो आपने क्या किया दूसरे समय, देयर फोर 2 raise to x plus 3, सेम टू सेम लिखा, 4 की जगह क्या लिखोगे, अभी अभी फैक्टर्स निकाले, ये रहे 4 की जगह 2 raise to 2, तो 4 की जगह 2 raise to 2 लिख दिया आपने, ठीक है, 2 raise to 2 लिखा। अच्छा अब ब्रैकेट बनाओगे, क्यों, क्योंकि आपने 4 को 2 raise to 2 लिखा, पर ये x माइनस 1 तो है ही ना, वो थोड़ा नहीं छोड़ दोगे आप, आपने 4 को 2 raise to 2 लिखा, वो सही किया, पर साथ में x माइनस 1 भी तो है, वो थोड़ा नहीं चला जाएगा कहीं, वो तो रहेगा ना, ठीक है। तो जब आपने 4 को 2 raise to 2 लिखा, तो x माइनस 1 ब्रैकेट क्यों, मैंने आपको पहले जब सिखाया था रैशनलाइजेशन में, भाई जब दो नंबर हो तो ब्रैकेट बना दिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा देयरफॉर देखो, अब आपने क्या किया, देखो पावर पावर, ये देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, 2 2 कर दिया तो कैंसिल, ठीक है, तो पावर हो जाएंगे इक्वल। तो देयर फोर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, देयर फोर एक्स प्लस 3। अब देखो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी, ब्रैकेट ओपन होती है तो क्या होता है, दोनों को मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो देयर फोर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स जा 2x माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। अच्छा अब मुझे x फाइंड करना है, ठीक है, ये आप स्टैंडर्ड 8th में करके आए हो, सॉल्व फॉर x आपने ये किया है, वेरिएबल्स इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स ऐसा चैप्टर था, मेरे ख्याल से आपको x फाइंड करना होता था, ठीक है, वैसा ही कुछ है, अगर तब नहीं सीखा आप सीख लो। क्या करने का, एक्स एक्स भेगे करो, आपको एक्स फाइंड करना है, आप क्या करो, एक्स एक्स इकट्ठे करो और नंबर नंबर इकट्ठे करो एक साइड, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका नंबर 3 है, ये 3 है ना आपका नंबर, ये 3 नंबर है, तो ये माइनस 2 को उठा के यहाँ लेके आओ, ठीक है, ये 3 नंबर है, माइनस 2 को उठा के यहाँ लेके आओ, तो एक्स प्लस 3 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, नंबर नंबर भेगे किए, देयर फोर एक्स प्लस 3 प्लस 2 क्या होगा, 5 2x, ठीक है। अब क्या करो, अब एक्स एक्स वाले भेगे करो, एक्स एक्स एक साइड कर दो, फाइंड करना है ना, फाइंड करना होता है तो एक्स को साथ करके फिर उसको अकेला बनाना होता है उसको, तो एक्स को उठा के यहाँ ले जाओ, पहले आपने क्या किया, नंबर नंबर इकट्ठे किए, नंबर एक साइड किए, जब नंबर माइनस टू इक्वल टू के इस साइड जाता है तो हो जाता है प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 इस साइड जाता है तो हो जाता है प्लस 2, ठीक है। तो देयर फोर अभी आप क्या करोगे, ये जो वेरिएबल है आपका, ये जो वेरिएबल, ये जो एक्स है, इसको उठा के यहाँ ले जाओगे कि ये अपने पार्टनर के पास पहुंचे, तो 2x है, तो x यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, तो देखो आपने नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड कर दिए, तो देयर फोर 5 इज इक्वल टू 2x में से x गया, x के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब 1x, तो
2x में से 1x क्या तो ओनली 1x बचा, ओनली 1x। तो 1x का मतलब x ही होता है, phi is equal to x, मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आई, phi, सीधा करके लिखो x is equal to phi आया आपका, ठीक है, x is equal to phi, ठीक है। सम शांति से करने का, स्टेप बाय स्टेप चलने का, नहीं समझ आया ना फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखो, हर चीज में पॉजिटिव देखो। आप मेरे साथ फिजिकल मतलब साथ में आप नहीं हो, साथ में नहीं पढ़ पा रहे हो, पर ये भी तो अच्छी चीज है, आप रिवाइंड करके तो देख सकते हो भाई, कहीं आपको लगे मैम, खैर मैं तो बहुत स्लो जाती हूँ, लगे मैम ने स्पीड में ले लिया, तो आप रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। आप रिवाइंड करके देखना, मैंने बहुत ध्यान से समझाया, पर स्टेप वाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करना है तो आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अभी हम ऐसा ही एक सम मैं आपको कंटिन्यूटी में कराती हूँ, आपका पेज नंबर 2.12 एक्सरसाइज 2.1 पेज 2.12 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 8 का फर्स्ट क्वेश्चन 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। कह रहा है कि इन इक्वेशन में ये इक्वेशंस यूज करके एक्स फाइंड करो, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करके एक्स फाइंड करो। तो अब यहाँ देखो, तो देखो देयरफॉर 7:2x+3, अब आप कहोगे मैडम ये तो 1 लगा पड़ा है, आपने अभी तक सॉल्व किया, आप तो फैक्टर्स निकाल रहे थे, हम 1 के कैसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो आपको अभी देखो यहाँ एक लॉ जो आपने पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वहां एक लॉ याद आएगा। देखो एक लॉ क्या पढ़ा था, ये देखो फिफ्थ नंबर देखो क्या पढ़ा था, a^0 = 1, क्या a^0 = 1, a^0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब यहाँ अगर मैं 1 लिखो, 2^0 लिखूं तो भी 1, 3^0 लिखूं तो भी 1, 4^0 लिखूं तो भी 1, 5^0 लिखूं तो भी 1, ठीक है, मतलब किसी का भी रेस टू जीरो लिखूं 1। तो यहाँ देखो, यहाँ अब मैंने एक आइडिया लगाया कि भाई 7:2x+3 है, मुझे यहाँ 7 चाहिए, तो 7 चाहिए, 7 कैसे लिख सकती हूँ, तो 7^0 कहाँ से आया, मैं घर से नहीं लाई, ठीक है, आसमान से ये रूल नहीं लाई हूँ, ये रूल आपके सामने ये फिफ्थ नंबर रूल यूज कर रही हूँ, a^0, ये मैंने आपको बताया भी कैसे, ठीक है। अगर 1 है तो मैंने 7:0 लिखा, अब आप कहोगे मैडम 7 ही क्यों, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, तो मैंने आपको बताया यहाँ 7 है तो 7 कट हो तो मेरी इक्वेशन आगे बढ़ेगी ना, अभी अभी दो सम्स कराए हैं, ठीक है, बेस सेम था तो ही तो मेरा सम हुआ, तो देखो बेस सेम हो गया, यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज a^0 = 1 पर ये रूल है, ठीक है। तो देयरफॉर तो देखो सेम है, सेम हुआ है, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या रहा 2x+3 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये मतलब 2x+3 इसके 0 के पावर, अब ये देखो नंबर नंबर भेगे करो, या 0 है तो ये नंबर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x = 0 - 3, तो 2x = 0 में से कुछ भी, 0 साथ में होता है कोई सेंस नहीं है, माइनस 3 रहेगा, ठीक है, 0 - 3 - 3, तो x = यहाँ देखो x अकेला बनाना है, और ये जो साथ में 2 है, जब कोई भी साइन नहीं होती है तो मतलब मल्टीप्लाई, तो जब आपको x को अकेला बनाना है, x फाइंड करना है, तो 2 जो मल्टीप्लाई में है सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, ये सारी चीजें 8th में आई हुई है, ठीक है। आपको x को अकेला बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे ले जाओगे हो जाएगा डिवाइड, तो x = -3/2, ठीक है, तो ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स तो आपका होमवर्क है, आज के लिए आपका होमवर्क है, क्लास वर्क आपको पूरा डिट्टो सेम, जब लेक्चर आपको आपके स्टडी रूम में जाके एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको जब आप लिखोगे, स्टार्टिंग से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपकी साथ में, वैसा वैसा आप लिखते जाओगे, पॉज करते करते, रिवाइंड फॉरवर्ड, मतलब रिवाइंड जब ना समझ आए तब, तो पूरा क्लास वर्क आपको सेम टू सेम डिट्टो लिखना है, क्योंकि ये जब लॉकडाउन पूरा होगा, ट्यूशन चालू होगा, फिर टेस्ट चालू होंगी, बेटा मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रही हूँ इतना लेंदी लेक्चर्स लेके, आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट, ठीक है, और रिविजन नहीं होगा, मैं बोल एग्जाम से पहले रिविजन नहीं होगा, ये चैप्टर जब एग्जाम के टाइम होंगे तब ट्यूशन रिवाइज करेगी, अब इतना मैं स्लो स्लो करा रही हूँ, उसके बाद रिविजन भी करूंगी तो फिर कोर्स कब खत्म करूंगी, ठीक है, तो इसलिए अभी ध्यान देते रहो, एग्जाम के टाइम सीधा रिविजन होगा, ठीक है। तो क्लास को एकदम शांति से सारा कंप्लीट करोगे वीडियो देखते देखते, और उसके बाद होमवर्क में आपकी आरडी शर्मा है, ये आपको खुद करना है, सेल्फ होमवर्क में आपकी आरडी शर्मा में से एक्सरसाइज 2.1
जो पेज 2.12 पे है, एक्सरसाइज 2.1 जो पेज 2.12 में से है, क्वेश्चन 1 सारा होल, क्वेश्चन 2 सारा होल और क्वेश्चन 8 का सिर्फ 2 और 3। ठीक है, इतना सा ही होमवर्क है आरडी शर्मा मिस हेल्प। ये सारे सम्स मैंने आज जो एग्जांपल्स कराए हैं सारे वैसे वैसे ही हैं, तो आप कर जाओगे। ठीक है, मेरे को पता है एकाध के पास हमारी बैच में आरडी नहीं है, आप मैं क्यों कहूंगी अपने सीनियर्स को फोन करके अरेंज कर लो, आरडी की तो जरूरत पड़नी है। ठीक है, अपने सीनियर से मांग लो, आप किसी से मिलती हो पुरानी। तो यहाँ देखो ये होमवर्क है, तो मैं आपके लिए पिक डाल दूंगी, फोटो डाल दूंगी ग्रुप में। एक्सरसाइज 2.1 ही चलने वाला है, अब ये अठवाड़िया 2.1 ही चलेगा, तो मैं आपको पिक मतलब फोटो खींच के क्वेश्चंस की और आंसर की आज ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।